आज हमारा देश का अन्नदाता, देश का किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें खाना देता है सर, आज वो जहर खाने को मजबूर हो गया है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी। यानी कि इस देश में औसत रोज के 30 किसान आत्महत्याओं की आती है। 30 किसान रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एंड 30 फार्मर्स पर डे इन दिस कंट्री कमिट सुसाइड। सर, मैं अपने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे मित्रों को यह भी कहना चाहूंगा कि किसान भोला है, भुलक्कड़ नहीं है। वो ये नहीं भूला कि एक साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था, जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई सर। और सर, किसानों के बारे में मैं एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। किसानों की आय दुगनी करने का वादा है सरकार ने किया था कि हम बढ़ाएंगे और दुगनी करेंगे। आय दुगनी करना तो छोड़ दीजिए, स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट बताती है कि 4 से ज्यादा राज्यों में आय बढ़ाना तो दूर, 30% किसानों की आय घट गई सर। बढ़ाना तो दूर की बात, आय किसान की घटाने का काम इन लोगों ने किया। और एक ऐसे दौर में जब भारत की रूरल इन्फ्लेशन भारत की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि गांव में रहना महंगा है शहरों के मुकाबले। सर, मैं बताना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब 2014 में महंगाई का आलम देखिए सर, 2014 में जब यह सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर, सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। सर, इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात है सर भारत की थालीनॉमिक्स।